हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर कोर्स। टुडेज टॉपिक इज हु एम आई। विल स्टार्ट विद द ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। एवरीवन लाउडली से टुगेदर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर कोर्स। एंड टुडेज टॉपिक इज हु एम आई, मैं कौन हूँ। सो पर लोग सब लोग जानते हैं कौन है, तो आपसे पूछते हैं आप कौन हैं, तो बोलते हैं कि हाँ मेरा नाम निखिल है, मेरा नाम निष्किंचन दास है। आपका नाम बोलेंगे, मेरे पिताजी का नाम ये है, आई एम इंडियन, आई एम अमेरिकन, ऐसे करके संबोधन करेंगे। कोई भी पूछेगा तो बोलेंगे हाँ मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा डिग्री ये है, मैं ये काम करता हूँ। तो प्रश्न ये हो गया कि आप है कौन, मतलब आप बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ ये हूँ ये हूँ, बहुत सारी चीज़ें ठीक है, वो तो करेक्ट है बॉडीली पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक्चुअली जानना है कि एक्चुअल में है कौन आप। मतलब आप पैदा हुए हैं, आपका मदर से आप पैदा हुए हैं, आपका शरीर मिला है, आपके माता पिता के द्वारा आपके मदर आपको जन्म दिए हैं, तो आपको ये शरीर मिला है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, तो आपका शरीर आया है विथ हैंड्स है, लेग्स है, हेड है, आईज नोज, तो आप अपने आप को देख रहे हैं, तो ये मैं हूँ और ये मेरी माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरा कंट्री है, ये मेरा डिग्री है, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं अपने आप को। तो देहात्म बुद्धि तो बोलते हैं कि फिजिकल बॉडी, यू आर थिंकिंग दैट यू आर ओनली द फिजिकल बॉडी एंड एनीथिंग इन रिलेशन टू द फिजिकल बॉडी इज मी। तो मैं ये शरीर हूँ और मेरे शरीर से जो भी संबंधित है लोग और चीज, मैं उससे मेरा संबंध जोड़ता हूँ। तो अपन को ये जानना चाहिए ना कि एक्चुअल में अपन शरीर नहीं है, अपन आत्मा है। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअल लाइफ में, अगर आप कृष्णा की ओर जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में आप एंटर करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप नॉट ओनली दिस बॉडी, समथिंग एल्स, आप और कुछ है जिससे आप फील कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस इज अ सिम्टम ऑफ सोल। तो आप कोई देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग बॉडी एंड अ डेड बॉडी, तब आप पता कर सकते हैं आप कौन हैं। तो आपको जानना है आप कौन हैं, तो आप पहले आप देखना है कि आप लिविंग बॉडी जो जिंदा है और कोई मर गया है, तो दोनों का शरीर में अंतर क्या है। जानेंगे तब आपको पता लगेगा कि आप है क्या, सोल है कि नहीं है, पता हो लगेगा। तो डिफरेंस क्या है लिविंग बॉडी डेड बॉडी में, तो साइंटिस्ट से पूछेंगे तो साइंटिस्ट बोलेगा कि हाँ इसका हार्ट रुक गया है, इसका ब्रेन फंक्शनिंग रुक गया है, और इसका जो सेल्स है बॉडी का, वो सेल्स उसका चलना बंद हो गया, वाइट ब्लड कॉर्पल्सेस ज़्यादा हो गए, रेड कम हो गए, ऐसे करके बहुत सारा साइंटिफिक रीजन देते हैं जिसके द्वारा वो बोलते हैं कि इंसान मर गया है। तो अगर डॉक्टर बोलता है कि इंसान मर गया है, तो सब लोग क्या करते हैं, घर वाले, उसके घर वाले जो बेटा है बेटी है बहू है, सब लोग आकर रोते कि हो माई फादर इज़ डेड, माई फादर इज़ डेड, मेरे पिताजी मर गए हैं, मर गए, बोलकर सब लोग रोते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं आपके पिताजी को, वो आपके सामने हैं, उनका पूरा शरीर है, उनके हाथ है, पैर है, ब्रेन है, किडनी है, आँखें है, पूरा शरीर है। जो आप इतने साल से आप अपने पिताजी को देख रहे हैं, तो पिताजी आपके सामने तो है, लेकिन आप बोल रहे चले गया चले गया चले गया, डॉक्टर बोल रहे इज़ डेड, और आप बोल रहे कि चले गया। तो क्या गया है जिसके द्वारा आप रो रहे हैं? तो आप देखे थे क्या जो चीज़ के लिए आप रो रहे हैं?
तो अब शरीर तो पूरा है, तो अब नहीं वो चले गया, अभी तो था थोड़ी देर पहले, हम उससे देख रहे थे, वो दूध लाए थे, वहाँ पर गए थे, खाना खाए थे, फिर हमसे मिले थे, सब्जी खरीदे थे, फिर ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ हुआ था वो आदमी का। फिर वो आदमी बाद में अभी बोल रहे कि मर गया, तो मर गया तो बोल रहे कि चले गया बोल के रो रहे। सब लोग बोले तो मैं तो मिला था, सुबह इससे मिला था, दोपहर में इससे मुलाकात हुई थी, वो सब्जी खरीदा था, मैं उनसे मिला था, मुझसे बात किया था, तो सब लोग बोल रहे अभी तो था वो, तो अभी तो शरीर है उसका, लेकिन बोल रहे हैं कि शरीर मर गया, तो वो छोड़ कर चले गया। क्या छोड़ कर गया? क्या आप उससे मिले थे? जो चीज़ चले गया बोल रहे हैं, तो आप वो देखे क्या? तो मतलब सोल चले गए, आत्मा चले गई, तो आप आत्मा को देखे थे क्या? तो आप आत्मा से मिले नहीं, आप तो शरीर से ही मिले थे। और वो आदमी एक्टिव था, जब जिंदा था तो एक्टिव था, तो अभी वो चले गया तो वो डेड। तो शरीर मर गया है मतलब उसका चेतना नहीं है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है। तो आप अगर उसका फिर से हाथ चलने लगा है, पैर चलने लगा है, ब्रेन आँखी चलने लगा है, वो सांस लेने लगा है, तो मतलब फिर से उसमें चेतना आ गई है, मतलब उसमें फिर से जान आ गई है, फिर से सोल उसमें आ गया है, तो वो इंसान जिंदा हो गया है। तो जिंदा होना, मरना, डेड बॉडी लिविंग बॉडी में डिफरेंस जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्शियसनेस के द्वारा आप जान सकते हैं कि सोल है उसमें। अगर कॉन्शियसनेस नहीं है, जैसे आपको दिख रहा है कि हाथ नहीं चल रहे, पैर नहीं चल रहे, उसका सांस नहीं चल रहे, तो आप वो सिम्टम्स देख सकते हैं, तो सिम्टम्स के द्वारा आपको पता लगता है कि एक्चुअली हाँ सोल नहीं है, सोल चले गया शरीर छोड़ के, तो देन इज द पर्सन इज डेड बॉडी। सो लिविंग बॉडी डेड बॉडी में ये डिफरेंस है, ठीक है। और अपन अभी आपको पता लग गया कि अपन आत्मा है, ठीक है, समथिंग है जो आप देखे नहीं, तो अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो आत्मा कौन है, अपन कौन है एक्चुअली? तो सनातन गोस्वामी भी गए थे चेतन महापुरुष से मिलने के लिए बनारस में और इलाहाबाद में, और उनसे पूछे हैं कि क्या ने जापत पत्र। तो पूछ रहे हैं चेतन महापुरुष से, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इस शरीर में क्या कर रहा हूँ, और मुझे तीन तापत्र आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदेविक, प्रॉब्लम कॉज बाय ओन बॉडी एंड माइंड, प्रॉब्लम कॉज बाय एक्सेस हीट एंड कोल्ड, प्रॉब्लम कॉज बाय अदर लिमिटेड, अपना खुद का शरीर के द्वारा प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरे जीव के द्वारा अपन को प्रॉब्लम दिया जा रहा है, जैसे टाइगर हो गया है, मच्छर हो गया है, और प्रकृति के द्वारा एक्सेस हीट, एक्सेस कोल्ड। तो ये प्रॉब्लम्स हमेशा कंटिन्यूसली हमें चल रहा है, कंटिन्यूसली मिल रहा है प्रॉब्लम्स, तो अपन प्रॉब्लम्स में हैं। तो चेतन महापुरुष के पास गए हैं सनातन गोस्वामी और उनको सरेंडर करके पूछे हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों शरीर में आया और मुझे ये सब प्रॉब्लम्स क्यों मिल रहे हैं। तो जब अपन को ये शरीर मिला है, मानव का शरीर जब अपन को मिला है, तो अपन को सबसे फर्स्ट प्रश्न उठना चाहिए, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा पूछना चाहिए, जानना चाहिए, अपने आप से प्रश्न कर सकते हैं, भगवान से प्रश्न कर सकते हैं, लोग से पूछते हैं, क्योंकि अंदर से इंक्विजिटिवनेस जिज्ञासा होना है कि अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्पिरिचुअल सोल हूँ, आत्मा हूँ। तो आत्मा कहाँ से आई है, क्यों ये शरीर में रह रहे हैं, गोल ऑफ लाइफ क्या है, पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, और ये शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा नेक्स्ट लाइफ में, ये सब चीज़ें अपन को जानना है। तो इसको आत्मा साक्षात्कार बोलते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन, तो अपने आप को जानना है, भगवान को जानना है, आपका रिलेशनशिप क्या है भगवान से जानना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं ये शरीर में क्यों है, क्यों मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो जन्माद्य जस्य अतः, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में मेंशन्ड है, जन्माद्य से भगवान श्री कृष्ण ये सारा लोक, सारा सृष्टि का क्रिएशन किए हैं, जन्मादेश से कृष्णा क्रिएशन किए हैं, मेंटेन करते हैं, फिर डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब कृष्णा उत्पादन करते हैं, पूरा सृष्टि का क्रिएशन करते हैं, मतलब बनाते हैं सारा सृष्टि, फिर उसको मेंटेन करते हैं, चलाते हैं, फिर उसका सृजन करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो GOD, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। तो भगवान है जो जनरेट कर रहे हैं सारे दुनिया, सारे सृष्टि, सारा लाइफ, सब कुछ, आप जो भी देख रहे हैं अपने आप को और दूसरे, सारा सृष्टि, सब कुछ भगवान श्री कृष्णा बना रहे हैं, उत्पत्ति हो रहा है, फिर भगवान श्री कृष्णा ही सब कुछ मेंटेन कर रहे हैं, और लास्ट में जो डिस्ट्रक्शन होता है कृष्णा ही करते हैं। तो जनरेटर बोलते हैं, जो बनाते हैं उसको जनरेटर, ऑपरेटर जो चलाते हैं उसको ऑपरेटर, और जो डिस्ट्रॉय हो जाता है
डिस्ट्रक्शन। तो भगवान मतलब कौन? GOD, गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, दैट इज श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्णा बोल रहे, जन्मादिष्ठ भगवान श्री कृष्णा ही बोल रहे हैं कि मैं ही जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, मैं ही सृष्टि करता हूँ, मेंटेनेंस करता हूँ और लास्ट में सृजन होता है। तो कृष्णा ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि करते हैं, विष्णु के द्वारा, विष्णु मेंटेन करते हैं और शिवा डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये सारा सृष्टि चल रहा है, इस सृष्टि में सब लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, आत्मा आ रही है, शरीर को ले रही है, शरीर छोड़ दे रही है, तो बर्थ डेथ चल रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपन को जानना है कि ये मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, आत्मा हो तो कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा रियल उद्देश्य क्या है, इस लाइफ में रहने का उद्देश्य क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, गोल ऑफ लाइफ क्या है। तो पहले अपन जान लेते हैं कि अगर अपन ये आत्मा है, शरीर नहीं है, तो आप में और जानवर में डिफरेंस क्या हो गया है? आप क्या कर रहे हैं एवरीडे? रोज उठते हैं सुबह, सुबह उठते ही एक्चुअली पूजा करना चाहिए, लेकिन प्रसाद पाते हैं, खाना खाते हैं, ईटिंग कर रहे हैं, फिर बाद में स्लीपिंग कर रहे हैं, सो रहे हैं, फिर मेटिंग कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं और डिफेंडिंग कर रहे हैं, अपने आप को दूसरों से रक्षा कर रहे हैं। तो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंड, आहार निद्र भय मैथुन्य सामान्य पशु भी नाराणाम। तो आप में और दूसरे जानवर में डिफरेंस क्या है? जानवर भी खा रहा है, आप भी खा रहे हैं, आप अच्छा रेस्टोरेंट में और अच्छा डिश खा रहे हैं और जो जानवर है, कुत्ता बिल्ली है, वो लोग रोड पे खा रहे हैं। तो आप जो खा रहे हैं और जानवर जो खा रहा है, दोनों का खाने में अंतर एक ही है, एक ही है, डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। तो क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस जो मिलता है, खुशी, कुत्ते को जो रोड पे खाता है और इंसान जो अच्छा रेस्टोरेंट बैठ के खाता है, आपको जो हैप्पीनेस मिलता है, खुशी, और कुत्ता को जो खुशी मिलता है खाकर, दोनों का क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस, दोनों का खुशी का जो क्वालिटी है, दोनों एक ही है। आपको जैसे तृप्ति मिल रहा है, खुशी मिल रहा है, वैसे जानवर को भी ऐसे मिल रहा है। आहार, फिर निद्रा, वो सो जाता है, आप अच्छा बेडरूम में, अपार्टमेंट में सोते हैं और कुत्ता रोड पे सोता है, तो उसको जो खुशी मिलती है और आपको जो खुशी मिलती है, दोनों भी सेम है, कुछ अंतर नहीं है। तो दोनों में एक ही है, क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस इन गेटिंग स्लीप, जो क्वालिटी है सोने का, जो निद्रा का खुशी मिलता है, तृप्ति मिलता है, तो जानवर में और इंसान में दोनों एक ही है। आहार निद्र भय, फिर बाद में वो भी अपने आप की रक्षा करता है, क्लॉज से जाकर दूसरे कुत्तों से, दूसरे जानवर से बचता है अपना क्लॉज से, दांत से। और अपन लोग बना लिए न्यूक्लियर वेपन्स, और अपन बना है बड़ा सा लॉकर्स, लॉक्स और पासवर्ड से अपन अपनी रक्षा करते हैं। तो जो रक्षा आप जो कर रहे हैं, बैंक बैलेंस रखते हैं, पासवर्ड रखते हैं, लॉक करके अपनी रक्षा करते हैं अपने आप पे, और कुत्ता और जानवर भी करता है, तो जो रक्षा करता है उसको जो खुशी मिलती है, और अपन जो रक्षा करते हैं अपने आप की, अपने जो खुशी मिलती है, दोनों भी सेम है, क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस सेम है। तो आहार निद्र भय मैथुनंश, और वो भी बच्चा पैदा कर रहा है, अपन भी कर रहे हैं इनक्लोज बेडरूम अपार्टमेंट और ओपनली कर रहे हैं। तो मैथुनंश साम, आहार निद्र भय मैथुनंश सामान्य पशु भी नाराणाम। तो इंसान में और जानवर में कोई अंतर नहीं है, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, बस आहार खा रहा है, निद्रा खाने का सो जा रहा है, फिर बच्चे पैदा कर रहे हैं और भय अपने आप की रक्षा कर ले रहे हैं। आहार निद्रा भय मैथुनंश सामान्य पशु भी नारायण, बस यही अपन ना एक्टिविटी है डेली का। तो अभी आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए, तो शिल प्रभुपाद पांडराचार्य इस्कॉन हरे कृष्णा रामा, तो वो वेस्ट में गए थे 1960s में, जो वेस्ट में गए थे फॉरेन कंट्री में, तो बड़ा सा एक यूनिवर्सिटी में गए थे, बड़े प्रोफेसर से, PhD लोग से, बड़े लोग से मिल रहे थे। तो उनसे पूछे हैं, माई डियर पर्सन हु आर यू, तो बोले कि आई एम दिस मिस्टर जॉन, कुछ नाम बोले हैं, और बोले कि आई एम MA PhD, से बड़ा सा डिग्री बोले हैं। तो श्रील प्रभुपाद पूछे हैं कि आपको पता नहीं है कि आप स्पिरिट सोल हैं, आत्मा है आप, शरीर नहीं है। तो बोल रहे कि हाँ मैं तो ये शरीर हूँ, और ये सब कुछ जब शरीर मर जाता है तो सब कुछ फिनिश हो जाता है, वैसे बोल रहे हैं। उसको पता ही नहीं कि आत्मा है, और मरने के बाद और एक लाइफ होता है, आत्मा मरती नहीं है, शरीर मर जाता है। तो देही निरस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र मत देही। तो अपन ये देह, देह मतलब ये शरीर है, तो अभी अपन अपने आप को शरीर
सोच रहे हैं और एक्चुअली शरीर धारण किए हैं। कौन धारण किया है शरीर? देही मतलब जो शरीर को धारण कर रहा है, सोल। देही मतलब सोल है जो ये शरीर को धारण करा हुआ है। देही ने उसमें यथा देह है, तो ये आपका जो शरीर है, बचपन में आप छोटे थे जब आपके मम्मी आपको पैदा की थी, तो आपसे पूछ सकते हैं, फोटो में देख सकते थे कि छोटे से बच्चे हैं आप, तो माता जी आपको खिला रही है, दूध पिला रही है, सब कुछ। तो आपका कोई फोटो होगा तो बोलेंगे, आप फोटो दिखाएंगे बचपन का फोटो, तो बोलेंगे हाँ हाँ ये मैं हूँ, मैं हूँ, जब मैं पैदा हुआ था एक साल का था तो मैं यही हूँ। फिर बाद में आप थोड़े बड़े हुए तो फिर बोलेंगे सेवन्थ क्लास में, हाँ मैं यही था, मेरा सेवन्थ क्लास का फोटो है, फिर टेंथ क्लास का फोटो है, फिर शादी हुआ उसका फोटो। तो अलग अलग जगह पर आपका फोटो दिखाएंगे तो आप बोलेंगे हाँ ये मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। लेकिन अगर आप रियल में स्टडी करके देखेंगे तो बचपन में आप जो एक साल के थे तो आपका शरीर छोटा था, अलग था। फिर बाद में आपका जो शरीर, जब आप जवान हुए हैं तो आपका शरीर अलग हो गया है। फिर उसके बाद मिडिल एज में अलग होता है, बुढ़ापा में अलग होता है। तो डिफरेंट 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 बॉडीज हो रहा है, आपका बॉडी चेंज हो रहा है। आपका जो देह है, आपका शरीर है, एवरी सेकेंड न्यू सेल्स आर प्रोड्यूसिंग एंड ओल्ड सेल्स आर डाइंग। साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं कि 7 साल में एक बार अपना पूरा शरीर का हर कन कन, हर अणु अणु सब कुछ बदल रहा है, चेंज हो रहा है। तो अपना ये शरीर बदल रहा है, जो बचपन में आप थे, छोटे बच्चे थे, और अभी आप बड़े हुए हैं, तो आपका पूरा शरीर बदल गया है। तो आपका जो पुराना जो शरीर था, एक साल का था, अभी आप इतने बड़े हो गए हैं, तो आपका पूरा शरीर बदल गया है। तो वो पुराना शरीर कहाँ गया? वो पुराना शरीर मर गया, डेड। ओल्ड सेल्स आर डाइंग, पुराना जो शरीर है वो मर गया, आपको नया शरीर मिला है। आप सोच रहे कि मैं वही हूँ, क्या अंतर है? तो आपका हाथ चेंज हो गया, बॉडी चेंज हो गया, माइंड भी चेंज हुआ, लेकिन बहुत सारे मेमोरीज रह भी गए, बहुत सारे चीज भूल भी जाते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मैं सेम पर्सन हूँ, जब आपका शरीर इतना चेंज हो गया है, लेकिन आप बोलते हैं नहीं नहीं मैं वो फोटो में देखा मैं ही हूँ वो। लेकिन आप साइंटिफिकली अगर देखेंगे तो आपका हर एक बॉडी का हर एक सेल अणु चेंज हो गया है, सब कुछ कम्प्लीटली चेंज हो गया, पूरा ट्रांसफॉर्म हो गए, लेकिन आप फिर भी बोल रहे हैं मैं वही हूँ। तो क्या कांस्टेंट है, क्या चीज़ कांस्टेंट है? आपका शरीर चेंज हो रहा है, लेकिन एक चीज़ है जो स्थायी है, हमेशा के लिए है, क्या है वो? सोल है। तो आप आत्मा है, आप शरीर नहीं है। तो आप अपने आप को सोच रहे कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर का मेंटेन करना है, अच्छे से खिलाना है, अच्छे से नहलाना है, अच्छे से कपड़ा पहनना है, अच्छे से ड्रेस करना, अच्छे से बाल कराना। तो अपना अपना शरीर 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 को ही देख रहे हैं, तो अपन आत्मा को नहीं देख। शरीर आपको जो मिला है बहुत बहुत जन्म के बाद, बहुत बहुत दुर्लभता से मिला है। बहुनाम जन्मनाम उन्ते ज्ञानमाम माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वति समात्मा सुदुर्लभ। बहुत सारे मनुष्य नाम सहस्रेषु कस्यचित् सिद्धे यतथापि सिद्धं कस्यचित् मां सत्यतः। आउट ऑफ मेनी मेनी मिलियंस ऑफ बर्थ, बहुत सारे लाखों जन्म होने के बाद अपन को ये मानव शरीर मिला है, ठीक है? और मानव शरीर मिलने के बाद अपना क्या हुआ है, अपना माइंड स्टेट कि मैं सिर्फ शरीर हूँ। अपना बहुत सारा ऑलरेडी बहुत सारे शरीर चेंज हो गया है। ये लाइफ में आप देखे हैं कि छोटे बच्चे थे, अभी आप बड़े हो गए हैं, तो आपका पूरा शरीर चेंज हो गया है यूथ में। फिर ओल्ड एज में नया बॉडी मिलेगा, तो हर नया 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 बॉडी मिल रहा है, चेंज हो रहा बॉडी। तो इससे पहले भी आपको दूसरा शरीर भी था पिछले जन्म में, तो कुत्ता का, बिल्ली का, इंसान का, देवता का, बहुत सारे 84 लाख योनि है, 84 लाख पिछले में जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बर्थ डेथ जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है। तो आपके शरीर मिला है, ये शरीर में भी आपका जो छोटे एक साल के थे वो शरीर पूरा चेंज हो गया है, मर गया हो वो शरीर, अब आपको नया शरीर मिला है। लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि मैं वही हूँ, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मैं वो है, ठीक है? अगर आप सोचते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, कुछ और हूँ, तो सॉरी मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ, अगर आप सोच रहे हैं अभी भी कि मैं शरीर ही हूँ, तो अपन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अपन जान लेते हैं कि अपन है कौन, ठीक है? तो मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो बोलते हैं कि मेरा नाम निखिल है, मेरा नाम निष्किंचन दास है। तो आप ऐसे नहीं बोलते कि मेरा नाम निष्किंचन दास है, मेरा नाम निष्किंचन दास है, मेरा नाम निष्किंचन दास है, ऐसा करके नहीं बोलते हैं। तो आप जो आपसे पूछा गया, तो आप हमेशा यहाँ पर चेस्ट पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि मेरा नाम निष्किंचन दास है, तो आई एम निष्किंचन दास। तो हाथ यहाँ पर है आपका चेस्ट में, तो क्यों यहाँ पर है? क्योंकि भगवता में कृष्णा बोल रहे हैं सर्वस्व चाह मृति सन्निष्ठम भक्त स्मृतिम ज्ञानम अपोहम च, ईश्वर सर्वभूता में उद्देश्य अर्जुन तिष्ठति। तो आई एम सिचुएटेड इन योर हार्ट एज सुपर सोल, परमात्मा कृष्णा बोल रहे हैं कि मैं आपके हृदय में हूँ,
आत्मा हृदय के अंदर है, अपन आप हृदय में है, हार्ट के अंदर है आत्मा और परमात्मा, तो दो लोग हैं अभी। तो अभी अपन आत्मा के बारे में जान रहे हैं और कृष्णा बोल रहे हैं कि आत्मा भी है और परमात्मा भी है आपके साथ, आपका बेस्ट फ्रेंड है। भूनाम जन्मते ज्ञानमते वासुदेव सर्वती सर्वमात्मा सुदर्भ, सब जगह पर वासुदेव कृष्ण है, अपने हृदय में भी है। तो जानना है अपन को, जिज्ञासा एंथुजियाज्म होना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए कि हाँ मैं कौन हूँ, मुझे जानना है, ट्राई करना है। तभी आप बोले कि मैं हूँ, मैं निखिल हूँ, मैं निखिल हूँ, मैं निखिल हूँ, तो आत्मा हमेशा यहाँ जा रहा है। तो अगर हाथ किसका है, अगर मैं पूछे हाथ किसका है, तो बोलते हाथ मेरा है। जैसे पूछते सिर, सिर किसका है, सिर मेरा है। तो बोलते कि आँखें किसकी है, आँखें मेरी है। तो नाक पूछते नाक किसका है, मेरा है। मुँह किसका है, बोलते मेरा है। ये कान किसका है, मेरा है। ये किडनी किसका है, मेरा है। तो हार्ट किसका है, मेरा है। ये ब्रेन किसका है, मेरा। तो सब जगह पर मेरा 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 बोल रहे हैं। तो आप कौन है? ये हाथ मेरा है, ये पैर मेरा है, ये किडनी मेरी है, ब्रेन मेरा है, हार्ट मेरा है। तो मेरा ये मैं मतलब कौन है, हु आर यू, आप कौन है, मैं मतलब क्या? तो आई, तो आई एम दिस, हु एम आई, आई एम स्पिरिट सोल, मैं आत्मा है। तो आपसे अगर पूछे आप कौन है, तो एक्चुअली आप आत्मा है। तो लेकिन ये आत्मा जो है उसके ऊपर आपका शरीर है, तो शरीर से आप कनेक्ट करके बोल रहे हैं कि ये शरीर मेरा है, ये हाथ मेरा है, ये कान मेरा है, ये किडनी मेरा है, ब्रेन मेरा, सब कुछ मेरा 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 कर रहे हैं। तो शरीर आत्मा है, उसके लिए मेरा मेरा बोल रहे हैं। तभी अपन देखे थे कि जो कोई इंसान शरीर छोड़ दिया है, तब वो बोल रहे कि चलेगा चलेगा चलेगा, तब वो नहीं बोलेगा कि मेरा है, क्योंकि वो है ही नहीं इंसान, तो आत्मा नहीं है। तो आत्मा इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस। आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपका जो है जीवन, उसमें सब लाइफ और आपका शरीर जो भी है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सोल। सोल जब जा चले जाता है तो इंसान जय श्री राम मर जाता है। तो सोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आप जी रहे थे और अपने आप को शरीर सोच रहे थे, तो आप उतना सब कुछ जो भी कार्य कर रहे थे सब कुछ शरीर के लिए ही कर रहे थे। आप ईटिंग कर रहे हैं, स्लीपिंग कर रहे हैं, मेटिंग डिफेंडिंग, आहार ले रहे हैं, मित्र भाई मैत्री सब कुछ आप कर रहे हैं। जो जानवर भी कर रहा है वो सब कुछ शरीर के ही संबंध से कर रहे हैं। लेकिन आप अभी जान लिए कि आप आत्मा है, तो आप आत्मा के लिए क्या किए अभी तक? What did you do for the soul? Soul के लिए क्या किए? Soul के लिए कुछ नहीं किए। तो soul के लिए food क्या है? Soul के लिए food है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण का सेवा करना है, प्रेम करना है, वो रियल सहज स्थिति है। अभी आप जान लिए कि आप soul है, soul का रियल सहज स्थिति क्या है? कृष्णा बोल रहे हैं कि ममे अंश जीव लोके जीव भूत सनातना मनसष्टि इंद्राणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो ये सोल जो आया है, कृष्णा बोल रहे हैं मेरा अंश है। जस्ट लाइक आपका शरीर में एक फिंगर इज पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। अगर फिंगर को कोई कट करके थ्रो कर देता है तो वो फिंगर इंडिविजुअली हैप्पी रह सकता है क्या? नहीं। जो फिंगर अटैच होगा शरीर में और वर्किंग कंडीशन में होके और ये शरीर को जब सेवा कर रहा है, तभी फिंगर इंडिविजुअली हैप्पी हो सकता है। अगर आप बोलेंगे कि रसगुल्ला खाना है, कुछ खाना है, तो मैं हमेशा पेट को क्यों दे रहा हूँ? पेट में जा रहा है सब कुछ, तो हाथ काम कर रहा है, पैर काम कर रहा है, सिर काम कर रहा है, पैर सब कुछ काम कर रहा है बॉडी का, और पेट बैठकर खा रहा है आराम से। तो आप सोचते हैं कि पेट हमेशा खा रहा है, वो कुछ काम कर रहा नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक बार क्या किए, पूरे हाथ पैर सिर वो सब लोग स्ट्राइक कर दिए कि हम काम नहीं करेंगे। तो काम नहीं किए, थोड़ा एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, फिर इमरजेंसी मीटिंग लगाए, बोले कि हम लोग तो वीक हो गए हैं, दो तीन दिन से हम लोग को ताकत नहीं आ रही है, वीक हो गए हैं। तो क्यों वीक है, पता किए, तो पता करें कि एक्चुअली पेट में खाना नहीं देने से हाथ में पैर में सिर में सब जगह पर ताकत नहीं है। तो रूट क्या है? स्टमक है। तो स्टमक से प्रॉपर बॉडी में अपन को शक्ति मिल रहा है। वैसे ही आत्मा है तो ही शरीर में सब कुछ है। और आत्मा कहाँ से आया? ममे अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। कृष्णा बोल रहे हैं कि ये मेरा अंश है, लॉर्ड श्री कृष्णा के अपन अंश है। और कृष्णा जैसा कि एक झाड़ है, झाड़ के रूट में आप पानी डाल रहे हैं तो झाड़ में सब कुछ पौष्टिकता सब कुछ मिलता है उनका जड़ में पानी डालने से। अगर आप झड़ का हर पत्ती में डंगाली में हर में पानी 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 डालेंगे, तो जो जड़ में नहीं डालेंगे तो झाड़ सूख जाएगा। वैसे ही
तो अपन आत्मा है और आत्मा का रियल सहज स्थिति है कि वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, कृष्णा के अंश है और कृष्णा का सेवा करना और कृष्णा से प्रेम करना रियल सहज स्थिति है आत्मा का। आत्मा कब हैप्पी हो सकता? अभी अपन सब लोग को हैप्पी होना है ना, अपन पूरा लाइफ क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्यों? पैसा मिलेगा, पैसा से सब कुछ हो जाएगा, डिग्री मिलेगा, ये खुशी मिलेगी, ये खाएंगे, यहाँ घूमेंगे, ये करेंगे, तो अच्छे से खाएंगे पीनेंगे, तो सब लोग खुशी चाहते हैं। लेकिन खुशी मिल रही है क्या? कितना देर के लिए खुशी मिल रही है? क्षणभंगुर, थोड़ी देर के लिए खुशी मिल रही है। तो थोड़ी देर की खुशी के लिए आप हमेशा हमेशा खुशी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा ही मिल रहा है आपको खुशी। तो लेकिन जब आत्मा आप जान लेंगे कि आप आत्मा हैं और आप कृष्णा का सेवा करेंगे, तो आपको रियल इटर्नल अव्ययम हमेशा हमेशा के लिए जो खुशी है, आनंद मिलेगा आपको। तो ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्णा बोल रहे हैं कि आई एम ईश्वर सुप्रीम कंट्रोलर, अपन सब कंट्रोल बनने जा रहे हैं, मैं शरीर को कंट्रोल कर रहा हूँ, फैमिली को कंट्रोल कर रहा हूँ, इसको कंट्रोल, उसको कंट्रोल, सब अपन कंट्रोल करने जा रहे हैं। लेकिन कृष्णा बोल रहे हैं कि आई एम सुप्रीम ईश्वर, अपन स्मॉल स्मॉल ईश्वर है, जस्ट एक बड़ा सा गोल्ड है, गोल्ड माइन, उसमें से एक छोटा सा गोल्ड का इयर रिंग निकाल दिए तो अगर उसमें देखेंगे तो वो भी गोल्ड का सब पार्टिकल्स है। लेकिन आप बोल सकते हैं कि छोटा सा जो कान का बाली है गोल्ड का इज इक्वल टू द गोल्ड का पूरा जो खान है, माइन है, इक्वल टू दैट है? नहीं, जैसे बड़ा सा ओशन है, ओशन में से एक छोटा सा ड्रॉप निकाले है, उसमें सब केमिकल कॉम्पोजिशन है ड्रॉप में, उसमें सब सॉल्ट है, सब कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन है। लेकिन ये अगर ड्रॉप बोला कि मैं ओशन हूँ तो करेक्ट है? ओशन में से एक ड्रॉप आया है और ओशन बोल रहा है कि मैं ओशन हूँ, करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है, लेकिन रॉन्ग भी है। करेक्ट कैसे है कि वो सेम क्वालिटीज है, अगर आप केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ होल ओशन देखेंगे तो सेम है उसमें, और गोल्ड में भी अगर आप देखे थे पूरा गोल्ड में से तो गोल्ड में एक ही है, लेकिन क्वांटिटी डिफरेंट है, ओशन बड़ा है और ड्रॉप ऑफ ओशन छोटा है। वैसे ईश्वर भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम अनलिमिटेड है और अपन जस्ट छोटे से एक अंश है। तो केशाग्र शतभाग शतभाग से कल्पस्थ, तो अपना जो साइज ऑफ द सोल है, टिप ऑफ द हेयर, हेयर है, बाल है, बाल का जो एंड है उसको टिप बोलते हैं ना, तो बाल का जो एंड ऑफ योर हेयर इफ यू डिवाइडेड इनटू 10,000 पार्ट्स, ठीक है, फर्स्ट बाल का एंड को लीजिए, केशाग्र शतभाग शत 100 पार्ट्स कीजिए, ठीक है, एंड ऑफ द हेयर उसको लेके 100 पार्ट्स कीजिए, और एक पार्ट ले लीजिए उसमें से और 100 पार्ट्स कीजिए, तो टोटल 10,000 पार्ट्स। तो टिप का, हेयर का टिप, जो बाल का जो लास्ट का एज है, टिप है, उसको आप 10,000 भाग में कर देंगे, वो जो 10,000 हुआ भाग, छोटा भाग जो है, इज द साइज ऑफ द सोल, इतना छोटा है। और अपन बोल रहे हैं कि मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, मैं एम ए है, पी एच डी है, मैं बड़ा हूँ, मेरे को तुम ऐसा क्या बोल रहे हो, तो इतना छोटा है सोल। और जस्ट इमेजिन करो कि एक बाल में कितना सोल आ सकते हैं, तो टिप ऑफ द हेयर में 10,000 टाइम्स डिवाइड कर देंगे तो इतना छोटा सोल हुआ है। तो अगर एक टिप में कितने सोल हो गए, 10,000 सोल्स अकोमोडेट कर सकते हैं टिप ऑफ द हेयर में, 10,000 आत्माएं आ सकती है टिप ऑफ द हेयर में। जैसे ये टिप हो गया और पूरा हो गया है, पूरा सा बाल में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज आ सकते हैं। तो जस्ट इमेजिन करो थोड़ा सा जगह में इतने सारे लिविंग एंटिटीज आ रहे हैं, तो इतना माइन्यूट इनसिग्निफिकेंट है सोल, आप मैं इतने इनसिग्निफिकेंट है, लेकिन उसका पावर कितना बड़ा है। हाथी इतना विशाल है, इतना बड़ा है, जस्ट एक सोल है तो वो चल रहा है, चींटी में भी आत्मा है, चल रही है तो चल रहा है, झाड़ में भी आत्मा है तो झाड़ में आत्मा है तो उसको चल रहा है, इंसान भी में भी आत्मा है। तो जब आत्मा शरीर छोड़ के चले जाती है, हाथी की, चींटी की, इंसान की, झाड़ के, किसी की, तो वो डेड बॉडी हो जाता है। तो हाथी मर गया है तो उठाएंगे तो कितने लोग उठाना पड़ेगा, इंसान मर गया तो कितने लोग उठाना पड़ेगा। तो इतना हैवी चीज एक छोटा सा आत्मा उसको कैरी कर रहा है, इतना पावर है, मतलब आपके पास कितना पावर है जस्ट आप इमेजिन कीजिए। लेकिन फिर भी अपन दुख है, दुखी है, क्यों दुखी है? क्योंकि अपन शरीर और शरीर संबंधी वस्तु से अपन अपने आप को आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं और उसी की
खुशी करने की चेष्टा कर रहे हैं शरीर और शरीर संबंधित वस्तु का, जैसे घर है, फैमिली है, सब कुछ जो भी आपका कनेक्टेड विथ योर बॉडी एंड आपका शरीर से, आप उससे खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप खुश नहीं हो पा रहे क्योंकि आप आत्मा है, आपको जानना है आप आत्मा है। तो आत्मा है वो कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है। कृष्ण बोल रहे ईश्वर है परम, कृष्णा परम है, बियॉन्ड ईश्वर परम कृष्ण, उनका नाम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। कृष्ण का जो रूप है, फॉर्म है, सत्य है, फुल ऑफ इटर्निटी, सत्य चित, फुल ऑफ नॉलेज एंड आनंद, फुल ऑफ ब्लिस, आनंद है। सच्चिदानंद विग्रह फॉर्म है कृष्णा का, सच्चिदानंद विग्रह। वैसा सेम केमिकल कॉम्पोजिशन जैसे ओशन में से ड्रॉप निकला था, वैसे अपना आत्मा भी कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है। परंतु अपना भी जो रूप है, आत्मा का जो 10,000 पार्ट छोटा सा बोला था, उसका भी एक छोटा सा रूप है। क्या रूप है? वो रूप में किस चीज़ का बना है? सत चित और आनंद से बना है। आपके उसमें फुल ऑफ सत्य है, फुल ऑफ इटर्निटी है, मतलब आत्मवर्ती पैदा नहीं होती और मरते भी नहीं, कृष्णा भी पैदा होते नहीं मरते नहीं। चित है, फुल ऑफ नॉलेज है, अनलिमिटेड, और आनंद है, फुल ऑफ आनंद है, और उसका भी रूप है, आत्मा का भी रूप होता है सच्चिदानंद विग्रह। लेकिन अभी अपन उसको समझ नहीं पा रहे हैं और अपन हैप्पी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सोल इज गेटिंग डिस्कनेक्टेड विद कृष्णा, अपन कृष्णा से दूर हो गए। तो ये जो आत्मा का रियल सहज स्थिति है कि वो कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है और कृष्णा का सेवा करना है, कृष्णा से प्रेम करना है, वो रियल सहज स्थिति है। लेकिन अगर अपन सिर्फ शरीर ही सब कुछ है और मैं शरीर के लिए सब कुछ करूँगा तो दुखी हो रहे हैं। टेम्पररी हैप्पीनेस मिल रहा है, थोड़ी देर के लिए क्षणभंगुर हैप्पीनेस मिल रहा है। तो ईश्वर परमात्म से सच्चिदानंद अनादिर आदिर गोविंद, कृष्णा इज द ओल्डेस्ट अमंग ओल्ड, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कृष्णा इज द रूट कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। जैसे अब झाड़ पहले आया है कि सीड पहले आया है उसका बीजा, तो हैन पहले आया कि उसका अंडा पहले आया, तो रूट कॉज ऑफ ऑल कॉजेज क्या है? तो कृष्णा बोल रहे मैं रूट कॉज ऑफ ऑल कॉजेज, सर्व कारण कारणम, आई एम द रूट कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। ईश्वर परमस्य कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदिर आदिर इज द ओल्डेस्ट अमंग ओल्ड। जब कृष्णा थे जब कुछ भी नहीं था संसार, कृष्णा फर्स्ट पर्सन है, उनके बाद सब कुछ आया। कृष्णा से बलराम आए, बलराम से शंकरशन आए, फिर वासुदेव, प्रद्युम्न, शंकरशन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, फिर सेकंड शंकरशन आए, फिर सेकंड शंकरशन से वासुदेव, शंकरशन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, क्वाड्रुपल एक्सपेंशन हुए। फिर महाविष्णु आए जो गर्भ को ओशन में लाए करते, विष्णु का सेवा करते हैं, लक्ष्मी देवी पाद सेवा करते हैं, अनंत शीर्षक के अंदर बैठते, तो महाविष्णु, तो महाविष्णु जब ब्रीथ आउट करते तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्स बाहर आते हैं, जब ब्रीथ इन करते तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्स अंदर चले जाते हैं। तो कृष्णा महाविष्णु से फिर गर्भदेव के साथ विष्णु बनते हैं। तो ये जो बोला था जी ओ डी बोला था, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, जो ब्रह्मा पैदा हुए थे, विष्णु जो है गर्भ का विष्णु है, वो भी ऐसे ही अंत शेषा में लाइक करते, लक्ष्मी देव उनका पाद सेवा करते। तो उनका जो नाभि है, जो नेवल है, नाभि में से कमल का फूल निकलता है और कमल का फूल में से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा ये पूरा सृष्टि करते हैं। तो बोला था ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, तो गर्भ के साथ विष्णु मेंटेन करते हैं, उनके थ्रू ही ब्रह्मा आए हैं और शिवा उनका एंगर मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा, विष्णु का जो एंगर मतलब क्रोध का जो मैनिफेस्टेशन है वो शिवा है विष्णु के। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो गर्भदेव शिवदेव के साथ विष्णु सीक्रेट एवरीवन साथ इज परमात्मा। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपन आत्मा है जान लिए और परमात्मा भी साथ में है। तो कृष्णा हमेशा एज परमात्मा आपके साथ रहते हैं हमेशा। तो अब कुत्ता में लाइफ में थे, बिल्ली में, कौन सा भी लाइफ, बहुत सारे योनि हो गए हैं, फिर ये शरीर में आए, शरीर में हमेशा कृष्णा आपके साथ है। और कोई मर भी गया ना, आत्मा अगर नरक में चले गए तो भी कृष्णा परमात्मा के रूप में साथ में है। स्वर्ग लोक चले गया, ये लोग चले गया, आप ब्रह्मा भुवनावृत्ति पुनरावृत्ति अर्जुन मामोपेत तो कौन से पुनर्जन्म देते। तो अगर हाइएस्ट लोक ब्रह्म लोक भी अगर चले जाएंगे, नरक भी चले जाएंगे, पुनरपि जन्म, पुनरपि बर्थ आफ्टर बर्थ, डेथ बर्थ डेथ, लेकिन आत्मा के साथ परमात्मा हमेशा रहते हैं, कृष्णा आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। तो अपना ड्यूटी क्या है? धर्म धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं भगवद्गीता में वही धर्म है। तो धर्म ऑफ द सोल क्या है? तो लव कृष्णा एंड टू सर्व कृष्णा। अभी अपन क्या कर रहे हैं, एक लेडी क्या की है, एक पिंजड़ा खरीदी है और उसके अंदर पैरट खरीदी है, ठीक है, पैरट चिड़िया खरीदी है और वो गोल्डन का केज का
पिंजरा वो खरीदिए के दुकानदार से पूछे हैं ठीक है इसको कैसे रखना है, तो बोले कि हाँ उसको रखना है उसका देखभाल करेंगे तो अच्छा रहेगा ठीक है। वो लाए लाकर पिंजरा को, तो अमीर थी तो उसका गोल्ड को पॉलिश कर दिए, गोल्ड का पिंजरा को खरीदी, पॉलिश की, लेकिन जो अंदर जो पक्षी बैठा है पैरट जो है चिड़िया को खाना देना भूल गई, दो तीन दिन तक खाना नहीं दी, सिर्फ उसका पिंजरा को ही देख रही थी। बाद में दो तीन दिन बाद क्या हुआ, शरीर मर उसका मर गया, पक्षी मर गया। तो वो गई जाके पूछी कि देखा आपका पक्षी मर गया, तो बोले क्या दिए इसको खाने के लिए, बोले कुछ खाने के लिए नहीं दिए लेकिन फुल गोल्ड पॉलिश किए पिंजरा को, पूरा गोल्ड पॉलिश किए और अच्छा उसको अच्छे से रख रहे हैं। तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ द एक्सटर्नल बॉडी, बॉडी को देख रहे हैं सब कुछ लेकिन आत्मा को नहीं देख रहे, वैसे पिंजरा को देख रहे हैं पक्षी को नहीं देख रहे, तो पक्षी मर गया। वैसे अपन ये शरीर को देख रहे हैं और शरीर संबंधी सब कुछ वस्तु है सबको देख रहे हैं लेकिन आत्मा को भूल गए। आत्मा को सर्व करना है, तो आत्मा का रियल कॉन्स्टिट्यूशन पोजिशन बोला था माम्यांश जीव लोग के जीव से सनातना, तो उसका रियल सहज स्थिति है वो कृष्णा से प्रेम करता है और आनंद चाहिए। तो आपको देखिए आपका लाइफ में हमेशा आपको आनंद चाहिए और हमेशा देखिए सर्व कर रहा है। बॉडी जब से पैदा हुआ है तब से आप देख रहे हैं कि अपने आप को, अपना इंद्रियों को, आँखी नो कान, अपना शरीर को सेवा कर रहे हैं कि पिता का, माता का, फ्रेंड का, देश का, दुनिया का, सबका सेवा कर रहे। तो सेवा भावना आत्मा का नेचर है। जब डेड बॉडी हो जाता है तो आत्मा का शरीर नहीं कर सकता, तो चेंज हो रहा है, चेंज इज द बेसिक प्रिंसिपल। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल क्या है कि आप कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है, कृष्णा का सेवा करना है, कृष्णा से प्यार करना है। तो सेवा करने का भाव है हमेशा, सेवा जाता नहीं है, हमेशा रहता है आपका। कौन सा भी शरीर में आप रहेंगे, कौन सा भी सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ अपने आप का या दूसरे का आप सेवा करते हो। ओनली डेड बॉडी है, जो मर गया जो शरीर है वो दूसरों का सेवा नहीं कर सकता, सिर्फ जो जीवित इंसान और पक्षी जानवर ही सेवा कर सकता है ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको आनंद चाहिए। तो अभी आप हमेशा हैप्पी 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 रहना की कोशिश कर रहे हैं, तो आप स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा कमाएंगे, सब करेंगे, तो आपका गोल ऑफ लाइफ क्या है, टू बिकम हैप्पी, हमेशा खुश रहना है। तो लेकिन अपन को खुशी मिल रही है क्या, थोड़ी देर के लिए, थोड़ा टाइम के लिए मिल रही है। तो बोलते हैं नहीं, मैं 3 घंटे मूवी खींची तो मुझे खुशी मिला था, तो खुशी मिला है लेकिन ओनली टेम्पररी, फ्यू डेज, फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स के लिए आपको हैप्पीनेस मिलेगा। टेम्पररी हैप्पीनेस से तो अपन सब कुछ सोच लिए है, तो टेम्पररी हैप्पीनेस है। तो आपको परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढना है, परमानेंट हैप्पीनेस लॉर्ड श्री कृष्णा के पास है। कृष्णा का जो आप सेवा करेंगे, कृष्णा से प्यार करेंगे, आप ट्राई कीजिए, एक बार आप लीजिए, आप राइस बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, या फूल है या फल है, कुछ भी आप ट्राई कीजिए ठीक है। अभी एक कोर्स हो रहा है ना, अभी आप एक क्लास सुन लेकर आप ट्राई कीजिए, मैं आज कृष्णा को फल चढ़ाऊंगा, आम लीजिए या तो राइस लीजिए, दाल लीजिए, फूल लीजिए, तुलसी का पत्ता, कोई भी ले सकते, कुछ भी एक आप कृष्णा के चरण में रख के आप देखिए कितना आपको खुशी मिलेगा। आप ट्राई कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, ट्राई करके देखिए कितना हैप्पीनेस मिलेगा, क्योंकि आप आत्मा है, आत्मा का अनलिमिटेड स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलेगा। अब ये जो शरीर है, शरीर चेंज हो रहा है हमेशा, जो आपका शरीर बर्थ लिया था ठीक है, बर्थ लेने के बाद उसके बाद शरीर ग्रो होता है, तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, थोड़ा टाइम के लिए सेम प्लेस में होता है, मिडिल एज में थोड़ा टाइम ऐसे रहता है, फिर ओल्ड एज होता है तो थोड़ा ड्विंडल होता है, मतलब लड़खड़ा जाता है, फिर बाद में लास्ट में मर जाता है शरीर। तो 6 स्टेजेस होते हैं शरीर के, फर्स्ट जन्म लिया है बर्थ ठीक है, फिर ग्रोथ हो रहा है थोड़ा टाइम हो रहा है, फिर बाद में स्टेज फॉर सम टाइम थोड़े दिन मिडिल एज में रहता है, फिर ओल्ड एज में धीरे धीरे वो लड़खड़ाता है, फिर बाद में वैनिश होता है। बर्थ, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, एंड फिर बाद में बाय प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे बच्चे पैदा करता है, बाय प्रोड्यूस करता है, फिर ड्विंडल होके वैनिश होता है। 6 स्टेजेस है, बर्थ, ग्रोथ, मिडिल एज, बाय प्रोडक्ट्स बनाता है, मतलब पैदा करता है, बच्चे पैदा करता है, फिर ड्विंडल होके वैनिश होता है। 6 स्टेजेस में आप जा रहे हैं और आपको हर तरह में आप अपने आप की खुशी करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन शरीर चेंज हो जा रहा है। संसारा, संसार मतलब चेंज हो रहा है। तो अभी चेंज में परमानेंट हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं, तो परमानेंट हैप्पीनेस ये टेम्पररी चीज से नहीं मिल सकता है। शरीर टेम्पररी है, शरीर के संबंधी जो भी चीज़ है वो भी टेम्पररी है। सेवनमुखी जीवाद स्वयंमुखी अत श्री कृष्ण नामादि ना भवेद ग्राम इंद्रे सेवनमुखी जीवादो स्वयं प्रचादो। तो
अतः श्री कृष्ण नामादि कृष्ण का नाम और कृष्ण का रूप रंग जो भी है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय अपन कृष्णा को अगर जानना है तो सेवन मुखी जो है एक बार चैंट कीजिए कृष्णा का प्रसाद आप भोग चढ़ाइए और कृष्णा का प्रसाद खा के देखिए कितना टेस्टी और कितना आनंदमय होता है कृष्णा का प्रसाद और कृष्णा का नाम इतना आनंद होता है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो अपन सब अब जो ऋषि के ना ऋषिकेश से उच्चते तो जो ऋषिका है अपने जो सेंसस है अपन कृष्णा का सेंसस में यूज करना है। पहले अपन को जानना है कि अपन जो खुशी प्राप्त कर रहे हैं आई से नोज से टंग से ईयर से स्किन से पांच इंद्रिय के द्वारा आप खुशी प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं तो सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्परे न निर्मलम ऋषिके न ऋषिकेश सेवनमुच्यते सर्वोपाधि। अभी अपन उपाधि नहीं है कि मैं ये हूँ आई एम इंडियन आई एम अमेरिकन मैं एम पी एच डी सर्वोपाधि उपाधि नहीं रहना सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्पर है निर्मल हार्ट को निर्मल कर रहा ऋषि के ना ऋषि का मतलब जो सेंसेस है अपने आईज नोज टंग ईयर्स के आँखी नाक कान ये पांच इंद्रिय जो है आप ऋषिकेश कृष्णा इज द कंट्रोलर ओनर ऑफ द सेंसेस गोविंदा ऋषि के ना ऋषिकेश सेवन भक्त रुचते जो कृष्णा का जब सेवा करेंगे आपके इंद्रिय के द्वारा कृष्णा के इंद्रिय की सेवा करेंगे तब भी हैप्पी हो सकते। तो अपन को जानना है कि अपना एक शरीर जो है एक रक्त जैसे है तो अपना अपने शरीर में क्या क्या है हाथ है पैर है पूरा आप देख रहे हैं सिर है तो फाइव वर्किंग सेंसेस है और फाइव नॉलेज गैदरिंग सेंसेस है तो हेड हो गया हैंड और लेग्स हो गया है और जेनिटल्स और एनस हो गया है पांच इंद्रिय और आपके और फाइव सेंसेस हो गए आईज नोज टंग ईयर स्किन आँखी नाक कान स्पर्श स्किन और कान ये पांच इंद्रिय हो गए तो इसके द्वारा अपन हैप्पीनेस प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सेंसेस है सेंसेस के ऊपर है आपका मन है मनसष्टि इंद्राणि प्रकृति सानुकृष्यति तो मन है तो मन आपका इंद्रियों को कंट्रोल करता है। हमेशा आपको कंट्रोल करना है आपका मन के द्वारा इंद्र को कंट्रोल करना है। इंद्र बोलता है कि इंद्रिय बोलते हैं कि टंग बोलता है कि मेरे को अच्छा रेस्टोरेंट में जाके अच्छा खाना है लेकिन मन के द्वारा उसको कंट्रोल कर लेना है नहीं नहीं वहाँ नहीं जाना है घर में प्रसाद है भगवान का भोग चढ़ा के प्रसाद पाना है तो इंद्रिय इधर उधर खींचता है। आँखी बोलता है कि अच्छा अच्छा मूवी देखेंगे वहाँ पर आया है कोई अच्छा बड़ा सा एक्टर का मूवी चल रहा है तो तीन घंटे चले जाए तो बोलता है नहीं 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 यहाँ पर एग्जाम है या काम है उसको करना है तो मन से द्वारा इंद्र को कंट्रोल करना है। और नाक बोलता है अच्छा अच्छा स्मेल करना है टंग बोलता है कि अच्छा बात करना है और अच्छा खाना है और ईयर्स बोलता है कि अच्छा अच्छा म्यूजिक सिस्टम कुछ अच्छा सुनना है और स्किन बोलता है कि किसी का स्पर्श करेंगे एंजॉय करेंगे मैन वुमेन वुमेन मैन तो पूरा एंजॉयमेंट में जा रहा है पांच इंद्रिय जिसके द्वारा अपन को टेम्पररी हैप्पीनेस मिल रहा है इसको अपन कंट्रोल करना है। मन के द्वारा इंद्रिय को कंट्रोल कर सकते हैं मन इम्पॉर्टेंट है इसके द्वारा कर सकते हैं। मन का नेचर क्या है थिंकिंग फीलिंग विलिंग एंड एक्टिंग सोचते हैं पहले अपन कोई भी चीज़ करने के पहले सोचते हैं फिर थिंकिंग फीलिंग आपको फीलिंग आता है अच्छा 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 ये करेंगे ठीक है फीलिंग थिंकिंग फीलिंग फिर विलिंग तो आपको होता है कि विल होता है हाँ चलो अब मैं कर लूँगा इसको थिंकिंग फीलिंग विलिंग फिर बाद में एक्ट करते हैं। तो माइंड का नेचर क्या है एक्सेप्टेंस रिजेक्शन एक्सेप्ट रिजेक्ट तो आप बोलेंगे कि अभी मूवी जाएंगे कि घर में पढ़ाई करेंगे काम करेंगे तो एक पल में बोलता है कि वहाँ जाएंगे एक पल में बोलता है कि यहाँ जाएंगे तो मन का नेचर हमेशा फ्लिक करेंगे मन का भी बोलता है कि एंजॉय करेंगे हाँ यस नो यस नो यस नो तो नेचर ऑफ द माइंड इज ऑलवेज फ्लिकरिंग सेइंग यस एंड नो। सो माइंड इज योर बेस्ट फ्रेंड एज वेल एज योर ग्रेटेस्ट एनिमी मन ही आपका सबसे बड़ा फ्रेंड है दोस्त है और सबसे बड़ा आपका एनिमी है। अगर मन को आप कृष्णा के सेवा में यूज करेंगे तो मन इज योर बेस्ट फ्रेंड। अगर मन को आप कृष्णा के सेवा अपना इंद्रिय तृप्ति में लगा देंगे और दूसरों का फैमिली सोसाइटी नेशन सबका इंद्रिय तृप्ति में लगाएंगे तो माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एनिमी क्योंकि वो टेम्पररी फ्लिकरिंग हैप्पीनेस दे रहा है लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस कृष्णा से ही मिल रहा है। तो मन के ऊपर आता है बुद्धि बुद्धि है जो मन को कंट्रोल करता है। तो बुद्धि का नेचर क्या है बुद्धि डिस्टिंग्विश करता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग वो डिफरेंशिएट करता है मतलब पता करता है कि क्या व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग अच्छा क्या है बुरा क्या है वो डिस्टिंग्विश करने का डिफरेंशिएट करने का डिफरेंसेस पता करने का वो शक्ति है बुद्धि में इंटेलिजेंस
तो मन के ऊपर इंद्रिय है, इंद्रिय, ठीक है, समझ रहे हैं, इंद्रिय, इंद्रिय है उसके ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि का नेचर है कि बुद्धि से आप अच्छा बुरा पता कर सकते हैं। जैसा कि बोला था, माइंड बोल रहा था कि जाएंगे मूवी देखेंगे, अच्छे से पार्टी करेंगे, खाएंगे वहाँ पर जाकर, तो बुद्धि बोलेगा नहीं नहीं नहीं, बाहर का खाना खाने से हेल्थ खराब हो जाता, अच्छा तेल नहीं होता, भगवान को अच्छे से भोग चढ़ाकर प्रसाद पाएंगे, कृष्ण का नाम लेंगे और कृष्ण का सेवा करेंगे या पढ़ाई कर लेंगे, आपका जो भी एग्ज़ाम है या काम कर लेंगे, तो बुद्धि डिस्टिंग्विश करता कि ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो गई बोलते तो इंसान क्या बोलते हैं उसको, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दिमाग खराब हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, पागल बोलते हैं। तो जो इंसान अपना खुशी नहीं जानता है और वो पागल जैसे बिहेव करता है तो उसको पागल बोलते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है डिस्टिंग्विश करता है गुदर, तो बुद्धि के ऊपर है ईगो, ईगो है, तो ईगो है, ईगो दो तरह के ईगो होते हैं, रियल ईगो और फॉल्स ईगो। ईगो मतलब अहंकार, तो अच्छा अहंकार भी है, रियल अहंकार कि मैं आत्मा हूँ, उसको रियल ईगो बोलते हैं, और फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो मतलब अपने आप को शरीर सोच लेते हैं, मैं शरीर हूँ, मैं एमए हूँ, पीएचडी हूँ, मैं फलाना फलाना हूँ, ये है इसका ईगो, फॉल्स ईगो। तो अपन इसके द्वारा अपन को, अपन एम्बॉडीड है पूरा अपना जो शरीर है, तो इंद्रिय है, इंद्रिय के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर अहंकार है, अहंकार के ऊपर आत्मा है। तो आत्मा में बोला था अपना इंडिविजुअल आत्मा है और परमात्मा भी है। तो एक्चुअली पूरा पावर कहाँ से आ रहा है, आत्मा से आ रहा है, आत्मा से आ रहा है। तो हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे, कृष्ण का सेवा करेंगे, आत्मा में पावर आएगा, कृष्ण का सेवा कर आनंद आएगा। तो बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करना है। इंद्रिय के नीचे क्या है, शरीर हुआ, तो हाथ ना, हाथ पैर पूरा ऐसा बॉडी हो गया, बॉडी के ऊपर इंद्रिय हो गया, इंद्रियों के ऊपर मन हुआ, मन के ऊपर बुद्धि हुआ, बुद्धि के ऊपर अहंकार हुआ, उसके ऊपर आत्मा परमात्मा। जस्ट लाइक एक चैरियट आप इमेजिन कर सकते हैं, हॉर्सेस से पांच इंद्रियों जैसे, और उसका जो रीन से जो उससे बंधा हुआ है रस्सी से, उसको मन बोल सकते हैं, और बुद्धि है और जिसको कंट्रोल कर रहा है, और जो पैसेंजर बैठा है वो आत्मा है, और जो ड्राइवर है आत्मा है, और पैसेंजर जो बैठा है परमात्मा है। तो एक रथ जैसे बोले हैं, ये जो अपना शरीर है यंत्र रूढ़ानी माया है, ये जो शरीर है एक मशीन जैसे है, तो उसको अगर अपन कृष्णा का सेवा में लगाएंगे तो रियल हैप्पीनेस होता है। तो अपन अभी तक क्या जाने हैं, अपन जान लिए हैं कि अपन आत्मा है, अपन शरीर नहीं है, तो देही नेस मेहता देही अपन जाने हैं, और अपना ग्रॉस बॉडी किससे बना है, शरीर, तो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, अपने जो स्थूल शरीर जो बना है वो बना है अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, पंचभूता पंच महाभूत से बना है शरीर, ठीक है। बॉडी में पानी ज़्यादा है ना, ब्लड है ना, फिर अग्नि है, उससे तो डाइजेशन हो रहा है जठराग्नि से, अर्थ है शरीर, देख रहे फिजिकली जो शरीर है, अर्थ है, वाटर है इसके अंदर, पानी है, भूमि अपो नलो वायु कम मन बुद्धि रे वच अहंकार विमुणात्मक करता मित्र मन। तो अभी अपन ये अर्थ है, वाटर हिंदी में अर्थ बोलते हैं कि भूमि हुआ है, अर्थ वाटर पानी हुआ है, फायर मतलब अग्नि है, और हवा है एयर, और ईतर है, ईतर मतलब वैक्यूम, तो बोन मैरो के अंदर होता है। तो ये पांच से स्थूल शरीर बना है, और उसके ऊपर अपना जो सटल बॉडी था, माइंड इंटेलिजेंस ईगो था, इसको सटल बॉडी बोलते हैं, इसका मतलब ये स्थूल शरीर हो गया, सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उसको, और उसके ऊपर हो गया है आत्मा। आत्मा का नेचर क्या है, कृष्णा का सेवा करना, कृष्णा का प्रेम करना, और उसका रियल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सत्य चित और आनंद। हम हमेशा हमेशा क्या, अपन नहीं मरना चाहते हैं ना, कोई भी मरना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता है, क्योंकि अपना नेचर है आत्मा का कि नहीं मरना है। अभी कोई किसी को मार रहा है तो उसको तकलीफ होता है ना, तो इंसान को मार रहा है, जानवर को मार रहा है, तो इवन झाड़ में भी वो होता है, कॉन्शियसनेस होता है। जेसी बोस एक अच्छा साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट एक्सप्लेन किए हैं, प्रूफ किए हैं, ग्लोबल रिटर्न भी मिला है कि कॉन्शियसनेस उस झाड़ में भी है। तो अपने सपने कॉन्शियसनेस है, तो कुछ पिंच कर रहे हैं, कुछ मार रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, अपने फीलिंग्स है, अपने इमोशंस है उसमें, तो आत्मा है, तो जानना है कि आत्मा है। तो अभी अपन को पता लग गया है अपन कौन है, हुआ एम आई, अगर आप सब पूछेंगे हुआ एम आई, आई एम स्पिरिट सोल, सुन रहे हैं सब लोग, आई एम स्पिरिट सोल, आई एम आत्मा हूँ मैं, हुआ एम आई, आई एम आत्मा। आत्मा का रियल सहज स्थिति है कृष्ण से प्रेम करना और कृष्ण का सेवा करना। तो अपन कृष्ण का सेवा करेंगे, कृष्ण का प्रेम करेंगे, तो रियल हैप्पीनेस मिलता है, नहीं तो दुख 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 में आता है। तो
को हाउ टू बी रियली हैप्पी, विल यू एंगेज योर बॉडी माइंड इंटेलिजेंस सटल बॉडी स्टूल बॉडी सटल बॉडी और अपना आत्मा सब कुछ कृष्णा का सेवा ऋषि के ना ऋषिकेशा सेवन भक्त रुचित उनका सेवा में अगर लगेंगे तो रियली ही हैप्पी हो सकते हैं। तो हैप्पीनेस होना है तो आत्मा से प्रेम से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।